जनता के विश्वास को अखंड बनाए रखने के लिए एक स्थायी संस्था की स्थापना की, उसका प्रावधान रखा, जिसे हम कहते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, राज्य के विधान मंडलों के सदस्य का निर्वाचन करना, जब भी चुनाव आए इन लोगों का चयन करना, इन लोगों का निर्वाचन करना, या इन लोगों के निर्वाचन की प्रक्रिया को जिम संचालित करना, ये इनका काम है चुनाव आयोग का। यहाँ फिर मैं बता दूँ, प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, मंत्रियों का नाम नहीं है। कारण, प्रधानमंत्री पहले सांसद निर्वाचित होता है, चाहे वह लोकसभा का सांसद बने या राज्यसभा का, और सांसद का निर्वाचन चुनाव आयोग करता है। सांसद बनने के बाद ही तो वह प्रधानमंत्री बनेगा, यदि वह बहुमत दल का नेता चुना जाए तो सांसद का, तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति उसी को नियुक्त कर सकता है जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है, लोकसभा के अंदर जो दल बहुमत में है उसके नेता, इसलिए उसका नाम इस सूची में नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आयोग जो है संवैधानिक है, यानी संविधान में इसका प्रावधान है, कोई एडहॉक नहीं है, तात्कालिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था है। इसे हम कहते हैं निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। तो अब हम उस चुनावी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे जो चुनाव आयोग करता है, जो चुनाव आयोग अपनाता है। लेकिन उससे पहले हम चुनाव आयोग का गठन कैसे होता है, उसकी क्या शक्तियां हैं, उस पर थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा जाएं। तो भारत में चुनाव आयोग संरचना व संगठन, संविधान की धारा 15, भाग 15, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन तंत्र के बारे में बात की गई है। निर्वाचन तंत्र 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग। शब्द क्या है? निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, तीनों, इंस्पेक्शन, गाइडेंस, डायरेक्टिव और कंट्रोल, ये तीनों उसके हाथ में रहता, चुनाव आयोग के हाथ में। भारतीय संघ में जो विभिन्न राज्य हैं उनके लिए अलग से राज्य चुनाव आयोग नहीं है, बल्कि पूरी देश के लिए हर तरह के विधानसभा के लिए और विधान मंडलों के लिए और लोकसभा राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सब के लिए एक ही चुनाव आयोग है, और वह दिल्ली में बैठता है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग का कोई प्रावधान नहीं है, और इसी कारण हम देखते हैं कि जो निर्वाचन व्यवस्था है वह एकात्मक है, और ये एकात्मता के सूत्र में बंधी हुई है, पूरे देश को उसने बांध के रखा है, क्योंकि पूरे देश के सभी राज्यों में किसी भी तरह के चुनाव हों जिनका मैंने जिक्र किया है, तो सब लोग चुनाव आयोग की ओर मुखातिर होते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हुए चुनाव संचालित होता है, चुनाव परिणाम घोषित होते हैं जो सबको मान्य होंगे। ये देश को एक सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा टूल है। तो चुनाव आयोग के गठन की बात करें तो 342(2) उसमें कहा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा की जाएगी, की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के मातहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
अर्थात संसद की एक समिति बनती है संसद सदस्यों की, जो नाम तय करते हैं, फिर वह नाम राष्ट्रपति कैबिनेट के पास जाता है, मंत्रिमंडल के पास जाता है, स्वीकार होता है, फिर वह राष्ट्रपति के पास जाता है। तो नियुक्ति पत्र किनके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन चयन कौन करता है? संसद की वह समिति जो इस उद्देश्य से बनाई गई है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त बनाए जाते हैं। क्षेत्रीय रीजनल निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता के संबंध में कोई लेख नहीं है। अब तक के जितने भी निर्वाचन आयुक्त बने वे सब भारत सरकार के अधीन उच्च पदों पर काम करते रहे। तो इसका मतलब ये हुआ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए कोई पात्रता योग्यता का प्रावधान ऐसा नहीं है। लेकिन परंपरा के अनुसार सभी लोग अभी तक वे ही लोग उच्च निर्वाचन अधिकारी बने हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी जो लोग उच्च पदों पर रहे हैं केंद्र सरकार में। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले। 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र। यदि कोई व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनता है 62 वर्ष की उम्र में तो 65 में रिटायर हो जाएगा, अर्थात 3 वर्ष का कार्यकाल हुआ उसका। और यदि कोई व्यक्ति 55 वर्ष की उम्र में चुनाव आयुक्त बनाया जाता है तो 6 वर्ष वो पूरा करेंगे, 61 वर्ष की आयु तक वो चुनाव आयुक्त रहेंगे। और यदि सरकार चाहे तो उन्हें उनको फिर से नए सत्र के लिए चुनाव आयुक्त बना सकती है, लेकिन 65 वर्ष की आयु में वो रिटायर हो जाएंगे। चुनाव आयुक्त का वेतन और भत्ते क्या होते हैं? 1993 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन और भत्ता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, यानी उनके समकक्ष माना जाता है। और इनकी नियुक्ति के बाद उनका वेतन, कार्यकाल या अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा परिवर्तन जो उनके हित में न हो। ये बात आपको समझने की है कि एक बार वो नियुक्त हो जाएं तो उनकी नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एक बार उनका तनख्वाह तय हो जाए, भत्ते तय हो जाए, तो उसे कम नहीं किया जा सकता। अन्य जो सेवा शर्तें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ऐसा बदलाव जो उनके हितों को प्रभावित करता हो, दुष्प्रभावित करता हो। इनके वेतन आदि के संबंध में जो खर्च है वो बजट में पारित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त जो हैं वे बहुत उच्च पदों पर पदासीन अधिकारी रहते हैं, और संसद के द्वारा चयनित और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मैंने एक बात कही कि ऐसा कुछ कार्य चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति के बाद नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा जो उनके लिए हितकारी न हो, चाहे वेतन भत्ते में कमी या कार्यकाल में कमी या कुछ, ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों? ये प्रावधान महत्वपूर्ण इसलिए है, ये सुनिश्चित करता है ये प्रावधान कि एक बार कोई व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन गया, नियुक्त हो गया, उसके बाद उस पर सरकार का दबाव कतई नहीं पड़ सकता, उसे सरकार से भय की जरूरत ही नहीं है। वह निष्पक्ष होकर चुनाव के कार्यों में अपना ध्यान लगा सकता है, उसे पदच्युत होने का भय नहीं, उसे तनख्वाह आदि कम होने का भय नहीं, उसके भत्ते और अन्य सुविधाओं में किसी तरीके की कमी का भय नहीं। इस प्रकार के भय से मुक्त रहकर वह निश्चिंत होकर बिना किसी दबाव के चुनाव की महती कार्य को पवित्र मानते हुए कर सके, इसलिए ये प्रावधान किया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रावधान ये भी रखा गया है कि चुनाव आयुक्त को
किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, लेकिन उसको हटाए जाने के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, सरल नहीं है। उस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट। जैसे राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है, यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो, उसी प्रकार चुनाव आयुक्तों का भी इम्पीचमेंट या महाभियोग होता है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ये आवश्यक है कि महाभियोग संबंधी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत से पारित हो और मतदान करते समय उपस्थित 2/3 सदस्यों की सहमति हो। कितने सदस्यों की? 2/3, यानी बहुमत नहीं। बहुमत अर्थात क्या हुआ? लोकसभा में 543 में 272 लोगों ने यदि चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया और ऐसी राज्यसभा में 250 में 125 ने पास कर दिया तो महाभियोग पास हो गया और ये हट जाए, ऐसा नहीं है। बहुमत नहीं, इसको हटाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। 2/3, 543 का 2/3, 250 राज्यसभा के सदस्यों का 2/3 वो चाहिए, और इसके साथ ही उन लोगों का अनुमोदन हो। बाकी जो निर्वाचन आयुक्त हैं क्षेत्रीय, ये राष्ट्रपति उनको अपने पदों से हटा सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उसको कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। लेकिन बाकी जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो उसका सहयोग करते हैं और जो राज्यों में भी हैं, वे लोग मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जाते हैं। लेकिन सिफारिश किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की। चुनाव आयोग जो है वो 3 सदस्यीय होता है। मुख्य रूप से चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य? 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे 2 चुनाव आयुक्त। बड़े लंबे समय तक ये विवाद चलता रहा कि चुनाव आयोग 1 सदस्यीय होना चाहिए या 1 से ज़्यादा सदस्य होना चाहिए, इसको लेके काफ़ी विवाद हुआ। 1 सदस्यीय होने की अपनी समस्याएँ खड़ी हुई, बहुसदस्यीय होने की अपनी समस्याएं थी। तो संविधान 324(2) में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्तियों का प्रावधान होते हुए भी 1989 में किसी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई, आयोग 1 सदस्यीय ही बना रहा। लेकिन अक्टूबर 89 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चुनाव आयोग चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्त करके इसे बहुसदस्यीय बनाया। 1989 राजीव गांधी बहुसदस्यीय चुनाव आयुक्त की शुरुआत, 3 सदस्य कुल। प्रैक्टिस में 1989 में लगभग 3 महीने के समय को छोड़कर सन 92 तक चुनाव आयोग हमेशा 1 सदस्यीय रहा है, लेकिन अक्टूबर 93 से चुनाव आयोग जो है वो 3 सदस्यीय हो गया है और स्थायी हो गया है। इन सदस्यों के बीच जब मतभेद हो तो 3 सदस्यीय आयोग बहुमत से निर्णय लेता है और बहुमत निर्णय ही तीनों को मान्य होगा, ये बात स्पष्ट कर दी गई। 3 सदस्यीय आयोग में चुनाव के किसी मुद्दे को लेकर, चुनाव की तारीखों को, चुनाव की उम्मीदवारी को, चुनाव के अन्य किसी प्रक्रिया को लेकर यदि चुनाव आयोग के 3 सदस्यों में मतभेद है तो 2 सदस्यों का बहुमत जो रहेगा वह सर्वमान्य माना जाएगा और इसे लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार 3 सदस्यीय आयोग की वास्तविक शुरुआत होती है 1992 से। वैसे तो 1989 में राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी थी। राज्यों में क्या व्यवस्था है निर्वाचन की? 324(6) इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जब भी
निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राष्ट्रपति राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या ऐतिहासिक या प्रादेशिक आयुक्त को कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कार्यों के लिए आवश्यक है। अर्थात राज्यों में जब चुनाव होते हैं, राज्यों में जब निर्वाचन होते हैं, बल्कि ऐसे कोई भी निर्वाचन हो जो चुनाव आयोग को जिसे संपादित करना है, तो वह संबंधित राज्य के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकता है, पर उसके लेने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति या संबंधित राज्य का राज्यपाल उन कर्मचारियों को चुनाव आयोग के कर्मचारी उन कर्मचारियों को चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। किस कार्य के लिए? चुनाव के कार्य को संपादित करने के लिए प्रारंभ से लेकर अंत तक। दूसरे शब्दों में राज्य के कर्मचारियों के की मदद से चुनाव संपन्न होते हैं और राज्य के कर्मचारियों को चुनाव आयोग लेता है अपने अपने अधिकार क्षेत्र में। अर्थात ये कर्मचारियों की जो शर्तें हैं, सेवा शर्तें, ये चुनाव तक के लिए चुनाव आयोग को स्थानांतरित कर दी जाती हैं राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये कर्मचारी चुनाव आयोग की हिदायतों का शब्द ब शब्द पालन करें। तो इस प्रकार राज्य में निर्वाचन की व्यवस्था के लिए हमारे संविधान में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है। निर्वाचन आयोग को निर्वाचन संबंधी कार्यों को करने के लिए राज्यों में जिलों में निर्वाचन क्षेत्र बनाने पड़ते हैं और मतदान केंद्र स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। निर्वाचन की व्यवस्था के लिए क्या प्रावधान किए जाते हैं, थोड़ा इसको देखें। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हम लोकसभा के चुनाव की बात करें तो एक निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसके अंदर एक निश्चित जनसंख्या रहती है। उस निर्वाचन क्षेत्र से एक लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। विभिन्न दलों के कई प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं, पर मतदान के बाद बहुमत जिसको मिला हो, सबसे ज़्यादा मत जिसे मिले हो, वह विजयी और वह उस जिले का या उस मतदान उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि। अब यदि मैं निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं, उदाहरण के लिए अपन लेते हैं रायपुर। रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है, ठीक। निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है, यदि वहाँ की जनसंख्या लगभग 20 लाख है तो ये लोग मतदान करने कहाँ जाते हैं? उम्मीदवारों को चुनने के लिए, उम्मीदवारों का नाम तय करके उसके बाद वोट देने के लिए ये कहीं जाते हैं। जिन जगहों पे जाते हैं उसे कहते हैं मतदान क्षेत्र। एक तो हो गया निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर सैकड़ों मतदान क्षेत्र, लगभग 600-700 मतदान क्षेत्र एक एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर हैं, और एक मतदान क्षेत्र के अंदर लगभग 500 से 1000 मतदाता रहते हैं एक मतदान क्षेत्र के अंदर। तो रायपुर एक निर्वाचन क्षेत्र हुआ। रायपुर की एक हम कॉलोनी ले लें अवंती विहार। अवंती विहार के एक क्षेत्र की 1000 जहाँ तक की जनसंख्या है, वहाँ पर एक स्कूल ले लिया जाता है या एक शासकीय भवन ले लिया जाता है। उस शासकीय भवन में निर्वाचन अधिकारी बैठता है एक, और उसके मातहत कई अन्य लोग चुनाव में मदद करने के लिए, मतदान के समय मदद करने के लिए, चुनाव अधिकारी की मदद के लिए बैठते हैं। ये लोग कौन रहते हैं? ऐसे 500-600 मतदान केंद्र हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हो सकते हैं। जितने ज़्यादा मतदान केंद्र होंगे,
एक एक मतदान केंद्र पर उतनी ही कम भीड़ होगी और उतना ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा, उतनी ही जल्दी मतदान भी हो जाएगा। तो इसलिए प्रयास रहता है कि पर्याप्त संख्या में मतदान केंद्र हों, और चूंकि एक एक मतदान केंद्र में करीब 8 से 10 कर्मचारियों की जरूरत होती है, 600-700 मतदान केंद्रों में रायपुर के कहां से व्यक्ति लाए जाएंगे? अधिकारी से लेके कर्मचारी से लेके प्यून, ये सब कौन लोग होंगे जो मतदान के दिन काम करेंगे? ये लोग होते हैं वे सरकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार के तहत काम करते हैं। चुनाव के दौरान राज्य सरकार राज्यपाल के आदेश पर इन कर्मचारियों के इन कर्मचारियों को चुनाव आयोग की ओर स्थानांतरित कर देती है, और उस दिन से चुनाव आयोग के आदेश पर ये कर्मचारी कार्य करते हैं। दूसरे सभी कार्य उस हद तक गौण हो जाते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे चुनाव की प्रक्रिया में, उसमें जैसे मैंने बताया निर्वाचन क्षेत्र और फिर मतदान क्षेत्र, तो एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो पूरे राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग की तरफ से, निर्वाचन आयोग की ओर से, राज्य सरकार की सलाह से एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इनके मातहत क्या काम होता है? चुनाव से बहुत पहले ये लोग मतदाता की सूची को तैयार करने का काम करते हैं, मतदाता की सूची का पुनरीक्षण करने का काम करते हैं, मतदाता सूची में सुधार के बाद उसे प्रकाशित करवाने का काम करते हैं, उसके बाद मतदाताओं की फ़ोटो और पहचान पत्र आदि जारी करने का काम करते हैं। ये काम हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मातहत होने वाले कार्य, जो चुनाव के बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, और बहुत पहले से के मायने हैं लगभग एक वर्ष पहले। दूसरा पद है जिला निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी। एक तो राज्य का हो गया, अब एक जिले का निर्वाचन अधिकारी होगा जो सामान्यतया कलेक्टर होता है। प्रत्येक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन रहता है और अपने जिले की सारी निर्वाचन व्यवस्था और देख रेख करता है। सामान्य स्थिति में जैसा मैंने बताया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो या जिले का निर्वाचन अधिकारी जो होता है वह सामान्यतः कलेक्टर होता है। कलेक्टर की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने जिले में जो 500-600 मतदान केंद्र हैं उनकी उचित व्यवस्था करे, कर्मचारियों की उचित व्यवस्था करे आदि आदि। बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था होती है इसकी। उसके बाद तीसरा जो पद है वह है पीठासीन अधिकारी। ये पीठासीन अधिकारी अर्थात प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर अर्थात वह अधिकारी जो एक मतदान केंद्र का जिस पर जिम्मेदारी हो, हर एक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी होगा। तो जैसा मैंने शुरू में कहा 500-600 मतदान केंद्र रायपुर के लोकसभा सीट के लिए हैं, तो 500-600 पीठासीन अधिकारी होंगे हर मतदान केंद्र पर एक, और ये जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे काम करेगा, उनके आदेशों पर काम करेगा। अब ये सभी अधिकारी जो हैं इनके नीचे, पीठासीन अधिकारी के नीचे दो या दो से अधिक और मतदान अधिकारी रहते हैं। पीठासीन अधिकारी की मदद के लिए दो या दो से ज़्यादा अधिकारी और रहते हों। ये सब अधिकारी जो हैं मतदान की सामग्री लेकर मतदान केंद्र पहुँचते हैं। कौन सब अधिकारी? पीठासीन अधिकारी और उसके अंतर्गत आने वाले अन्य दो अधिकारी या तीन अधिकारी, ये मतदान केंद्र पहुँचते हैं एक दिन पहले मतदान संबंधी सामान लेके, जिसमें EVM बॉक्स होगा,
मतदाता सूची होगी और न जाने बहुत सारे जो चुनाव संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर एक दिन पहले पहुंचते हैं और मतदान के दिन निश्चित समय पर सील बंद पेटी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और अन्य सामग्री का उपयोग करते हुए मतदान करते हैं और फिर मतदान का समय समाप्त जब होता है, निश्चित समय के समाप्ति पर, मतदान के समय की समाप्ति पर ये सब सामग्री को सील बंद करके वापस किसे देते हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुंचाते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पे इस प्रकार सभी मतदान केंद्रों की मतदान पेटियां या ईवीएम शाम तक पहुंच जाती हैं। ये हुआ एक सतही तौर पर चुनाव की जानकारी कि आखिर मतदानों की मतदान पत्रों की गणना कैसे होती है जब मतदान पत्र अलग अलग जगहों पे हों और वो भी 500-600 जिसमें करीब 10-20 लाख लोग जुड़े रहते हैं और 20 लाख लोग यदि रायपुर की जनसंख्या है तो उसमें वयस्क कितने हैं जिन्हें मताधिकार मिला हुआ है तो कल्पना करिए 10 लाख होंगे। उन 10 लाख लोगों में जिन्हें मत का अधिकार मिला है 2-3-4 लाख लोग मत देने नहीं जाते, जो बड़ी शोचनीय बात है। और औसत में देखा गया है कि मतदान का औसत रहा है करीब 55-60%, अर्थात हर 100 पात्रता रखने वाले मतदाताओं में 40-50 से ज़्यादा से ज़्यादा 60 लोग मतदान करने जाते हैं, बाकी 40 लोग नहीं जाते। ये नहीं जाने वालों के कारणों को जाने की ज़रूरत है और वो चिंता है, क्योंकि वास्तविक लोकतंत्र वो है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। तो वो दूसरी बात मुद्दा है। अभी फ़िलहाल हम ये जानें कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन और शेष सब सामान कलेक्टर के पास शाम तक सभी निर्वाचन क्षेत्रों से या सभी मतदान केंद्रों से पीठासीन अधिकारी पहुंचा देते हैं। अब हम आते हैं अगले बिंदु पर, निर्वाचन आयोग की शक्तियां और उनके कार्य। इनके क्या शक्तियां, वे क्या कर सकते हैं? निर्वाचन आयोग की शक्तियों से वास्तव में कहा जाए, देखा जाए तो बहुत डरते हैं सरकारी कर्मचारी। निर्वाचन आयोग की शक्तियां इतनी ज़्यादा हैं कि सरकारी कर्मचारी उनके आदेशों से थर थर कांपते हैं। और ऐसा क्यों? क्या ऐसी शक्तियां देना गलत है या इनका घबराना गलत है? शक्तियों की यदि बात करें तो वास्तव में इन्हें शक्तियां इसलिए दी गई हैं ताकि इस पवित्र काम को, महते काम को, जिसमें देश का लोकतंत्र आधारित आधार लोकतंत्र जिस पर टिका हुआ है, इस चुनाव पर, उस चुनाव प्रक्रिया को संबंधित कर्मचारी, हर वर्ग का कर्मचारी सीरियसली और जिम्मेदारी से ले। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, किसी तरह की निष्पक्ष, किसी तरह की बेईमानी, किसी तरह से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किसी कर्मचारी द्वारा किया गया या उसकी भनक लगी तो चुनाव आयोग के लिए पर्याप्त है कि वह उन पर सख्त कार्रवाई करे, उनको यहाँ तक कि नौकरी से सस्पेंड भी कर सकता है, उनको जेल भी भिजवा सकता है। बाकी कोर्ट में कार्रवाई बाद में होती रहेगी और इसी भय के कारण चुनाव की प्रक्रिया में जो कर्मचारी शामिल होते हैं वो घबराए रहते हैं और घबराहट के परिणाम स्वरूप बड़ी ईमानदारी से करते हैं, बड़ी निष्ठा से करते हैं। वे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो सामान्यतः अपने कार्यालयों में कार्य अवसर में 1-2 घंटा विलंब से पहुंचते हैं और शायद कार्यालय 1-2 घंटे पहले छोड़ देते हैं, देखा गया है कि चुनाव की गतिविधियों में वो 1-2 घंटा पहले पहुंच के अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं और भरसक कोशिश करते हैं कि शाम को वो अंतिम क्षणों तक उपलब्ध रहें ताकि चुनाव आयोग को ये कतई ना लगे कि फला फला कर्मचारी अपनी ड्यूटी से समय के पहले चला गया। तो इसलिए सख्ती बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक
चुनाव आयोग की शक्तियों में ताकत की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, ऐसे कर्मचारियों को चुनाव आयोग की ताकत से क्या डरना यदि वह पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपने चुनाव की ड्यूटी निभा रहा है। डर तो उन्हें लगेगा जो किसी तरह की बेईमानी या गलती गड़बड़ी करना चाहते हैं या कर बैठते हैं। इसलिए चुनाव से लगे हुए, चुनाव से जुड़े हुए कर्मचारियों को निडर होकर लेकिन निष्ठावान और ईमानदारी से अपने कार्य करना चाहिए, तो चुनाव अच्छी तरह संपन्न होगा।